बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं दूध वाली ब्राउन आइसक्रीम। उसके लिए सबसे पहले हम पैन में शुगर ऐड करेंगे। शुगर जो है हम अपने जायके के हिसाब से जिसको जितनी चाहिए उतनी ही यूज़ करेंगे। और ये मैंने रेसिपी दे दी है जो इतनी हमें चाहिए। इसको हम अकेली को ही हम जो है ना अपने पैन में ऐसे आग पे इसको पिघलाएंगे। उसके बाद इसके में जो है चमचा जो है वो चलाते जाना है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। हमारी चीनी जो है ना वो नीचे लगने लग जाएगी, बिल्कुल ऐसे हल्की हल्की ब्राउन होनी शुरू हो जाएगी जब, तो फिर जो है वो बस आप इसमें जो है चम्मच हिलाते जाएं ताकि एक जगह पे हमारी चीनी जो है वो रख के जल ना जाए। अब हमारी जो चीनी है वो तकरीबन पिघल चुकी है। जिसको जितनी रंगत वाला जो है वो आइसक्रीम चाहिए वो उतने तक जो है ना वो उसको पिघला के तो दूध वगैरह ऐड कर लें। हम लोगों ने थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ब्राउन रखा है तो हमने ज़्यादा इसको पिघला के तो इसमें जो है दूध ऐड किया है। इससे जो है वो ऐसे कॉफ़ी और चॉकलेट वाला जो है ना वो टेस्ट आता है। ये हम इसको दूध डाल के हमने इसको हिलाते रहना है बिल्कुल ऐसे। हमारी जो शुगर जो चीनी हमने पिघलाई है वो बिल्कुल ऐसे इसमें हल हो जाएगी। अब हम इसको पकाते रहेंगे और चम्मच जो है दूध में हिलाते रहेंगे। आंच जो है हमारी मीडियम होनी चाहिए। साथ साथ चम्मच हिलाते रहें और बलाई वगैरह जो आती है वो ताकि वो इसमें मिक्स होती है। अब हम इसमें इलायची ऐड कर रहे हैं। दो इलायचियाँ तोड़ के इसमें डाल दें। इससे हमारा जो आइसक्रीम है उसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दूध हमारा तकरीबन जो है वो पक चुका है, हाफ टन हो गया है। अभी और पकाएंगे, इसको गाढ़ा करेंगे। साथ साथ जो हमारा लगा हुआ होता है हमारे पैन के दूध वो भी जो है ना वो उतारते जाएंगे चम्मच के साथ। तकरीबन हमारा जो है ना देखिए भलाई इकट्ठी हो गई है और बनता जा रहा है, हमारा मिल्क जो है वो गाढ़ा होता जा रहा है तकरीबन। अब जो देखें हमारा जो है मिल्क बहुत काफ़ी गाढ़ा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। थोड़ा सा बच गया, पहले ज़्यादा था। अब हम इसको ठंडा करेंगे। ये पानी में रख के जो है ठंडा किया जा रहा है इसको। अब इसको एक मोल्ड में डालकर फ्रीज कर देंगे। ये फ्रीज कर देंगे इसको। उसके बाद जो है माशाल्लाह से हमारी आइसक्रीम तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें।